It's the end of the year. Everywhere on TV, couples and Christmas trees, gift wrapping and cheer. Just the worst night to be. Speak something, sweetheart. हस्बैंड तो लाइन अप में लग चुके हैं क्योंकि लाइन बहुत लंबी है एंड ये एयरपोर्ट काफ़ी ज़्यादा बिजी है एंड बहुत ज़्यादा काला मला हो रहा है. There's literally 5,160,000,000,000 people here in a lineup. 13 घंटे तक का फ्लाइट में रहने वाला है एंड हस्बैंड इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है क्योंकि उनको फ्लाइट में कुटन वाली जगह में रहना बहुत ज़्यादा पसंद है. Apples and Christmas trees, gift wrapping and cheer. Just the worst. हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हाल चाल है. डे 5 व्लॉग में इसमें आपका स्वागत है. अगर आप जानना चाहते हैं मैं कहाँ पे हूँ और इस सिचुएशन में कैसे पहुँची हूँ तो आपको बैकवर्ड जाना पड़ेगा ये सारी सिचुएशन को देखने के लिए. बाय द वे मैं एयरपोर्ट पे हूँ और हम तैयार हैं वेकेशन पे जाने के लिए. गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों. सो सुबह सुबह है, आज हमारी फ़्लाइट है बहुत ही जल्दी. सो मैं तैयार हो रही हूँ. अराउंड 7 का समय है और फ़्लाइट मुझे लग रहा है हमारी 11 की है और हम 2 घंटे वहाँ पे पहले जाके बैठना चाहते हैं. सो मैंने ना कल सारी रात लगा के पैकिंग कर ली क्योंकि पैक सारा मुझे करना होता था, बहुत ज़्यादा काम था. एंड इस बार ना मैं ये पिलोज़ लेके जाने वाली हूँ, नेक पिलोज़, क्योंकि मेरी गर्दन में दर्द हो जाता है शुरू. एंड मैंने एक हिम्मत के लिए भी ले लिया है, काले रंग का, बहुत ही मज़ेदार है. मैंने विनर से ख़रीदा है ये, आई थिंक स्टीव मैडन है इनका ब्रांड. एंड फिर हिम्मत एंड हस्बैंड शेयर कर लेंगे. सो हमारे बैग पैक हो चुके हैं, लॉक कर दिए हैं, हम रेडी हैं और टैक्सी की वेट कर रहे हैं. रेडी है. सो दिस इज़ माई ब्यूटीफुल हाउस. मैं उसको मिस करने वाली हूँ बहुत ज़्यादा वेकेशन में, पर या मेरे दोस्त मेरे घर की टेक केयर करेंगे एंड ऑल्सो मेरे प्लांट्स की भी. कैलगरी की एक खास बात है कि वहाँ पे सूरज ऑलमोस्ट एवरी डे चढ़ता है. तो ये सनराइज हो रहा है, हिम्मत सनराइज है. इसी तरह हमारा सफ़र होता है शुरू में. बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ये ट्रैवल वीडियोस बनाने के लिए. सो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लिया अगर अभी तक नहीं किया है एंड बेल को भी क्लिक करना है एंड फिर यू नो आपको बेल नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी. हिम्मत को ये ना रेडिया खींचने का बहुत मज़ा आता है एंड ये सारा सामान भी उसी का है. एयरपोर्ट की ना खाली है ना. ओके दोस्तों, एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं. एयरपोर्ट काफ़ी ज़्यादा सुनसान है, आई डोंट नो व्हाई. कैलगरी है ना, छोटा शहर है ये. सो अभी मुझे काफ़ी ज़्यादा चिंता है कि वेट वूट सारा कुछ सही हो जाए. वंस वो डन हो गया देन आई विल बी. वैसे यहाँ से तो हमें जितना वेट अलाउड है उससे कम ही है हमारे पास. आगे ही प्रॉब्लम है मेन. गाइस, नथिंग. हिम्मत, आर यू अ बिग किड एंड गेटिंग अ कॉफी और समथिंग? या. व्हाट यू गेटिंग? किक पॉप. Okay. You want any drink? Yes. You know, one time you got that lemon that was peach. Yeah, I want that. Do you want hot chocolate? No, I want that. You don't want. Is it good? Or you don't like the mint flavor? It's good. Sponsoring you. Now he's sending you back.
something, sweetheart. Going. I'm going to Toronto finally and eating chicken biryani. Hey, to baar kithe ja rahi hai? Oh, my husband's favorite country. Oh. Bangladesh. I love Bangladesh. My husband's favorite country. We are going to Tonga. Yes, guys. Okay, I'm very tired, so. I see you after a nap. Bye. Thale kha. Mask la ke kha. Humara na main. Himmat. टोरंटो एयरपोर्ट पे और हमारी फ्लाइट है 3 घंटे में और मैंने पेट पूजा कर लिया है, हमने खाया टिम फार्टी एंड डैडी बहुत ही ज़्यादा एंग्री है हमसे. बाय द वे दिस इज आवर सेकंड फ्लाइट. बाय द वे दिस इज आवर लॉन्गेस्ट फ्लाइट. ओके सो हम लोग पहुंचे टोरंटो एयरपोर्ट पे और ऐसे फील हो रहा है कि हम लोग घर आ गए. टोरंटो फील्स लाइक होम. क्या कैलगरी हमें हमारा घर लगना शुरू हुआ है? आई डोंट नो. और मैंने कल बिल्कुल अच्छी नींद नहीं आई थी क्योंकि ओके सो डैडी कोई चानना पाएंगे बहुत उन्होंने इधर लगन कि घर पहुँच गए फीलिंग आना थोड़ी क्योंकि 10 साल रहे ना इतने आप नहीं या डैडी थोड़ा एटीट्यूड शो कर रहे हैं क्योंकि डैडी इज़ वेरी फेकी गाय बट ए फील लाइक होम. शिट ओके सो हम लोगों ने सीट ढूंढ ली है और हमारे गेट के बिल्कुल नज़दीक बैठ गए हैं और मास्क उतारने से मुझे डर लग रहा है क्योंकि मैं वेकेशन के मोड में और मैं नहीं चाहती मैं बीमार हूँ. और दूसरी चीज़ है हस्बैंड गए हैं रोम अराउंड करने कोई प्लेस ढूंढने के लिए जहाँ से वो खा पाए पी पाए आई डोंट नो. पर मैं बहुत बुरी तरह थकी हुई हूँ और मैंने कहा कि मैं नहीं जाऊँगी. और ये जो टेबल है ये मेरे गेट के बिल्कुल सामने है और गेट खुलेगा 2 आवर्स में. पूरे 2 घंटे हैं, समय हुआ है 7 और दरवाज़ा खुलेगा 9 बजे. एंड आई थिंक यू गाइस कैन सी देयर इज माय गेट जस्ट राइट
देयर E76। सो यार मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे बैठने वाली हूँ। मैंने ना एक मूवी देखनी शुरू की थी प्लेन में। मैंने ऑलरेडी नेटफ्लिक्स पे खूब सारी मूवीज़ डाउनलोड कर ली थी 18 कि एंटरटेन कर पाऊँ मैं, तो मैं उसको फिनिश करने वाली हूँ। वो है हैप्पी फैमिली। आई एम नॉट श्योर कि कौन सी लैंग्वेज में है वो, बट वो डबिंग में है। सो मुझे अच्छी लग रही है सो फार। सो वो मैं फिनिश करूँगी एंड काफ़ी ज़्यादा टायर्ड एंड स्लीपी फील करूँ मैं, बट प्लेन में मुझे लगता है कि हम सो जाएंगे होपफुली अगर मुझे नींद आ जाए तो, क्योंकि हमारी ये फ़्लाइट है बहुत लंबी है। मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी की सबसे लंबी फ़्लाइट होने वाली है। मुझे लंबी फ़्लाइट बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि फिर मैं बहुत ज़्यादा बोर हो जाती हूँ एंड मैं ना मज़ा नहीं आता, बहुत अजीब लगता है मुझे। मैक्सिमम 7-9 hours तक, ये मुझे लग रहा है 13 घंटे तक की लंबी फ़्लाइट है, क्योंकि टोरंटो से सीधा हम लोग जाने वाले हैं दुबई। मैंने आपको बताया कि हम कहाँ पे जा रहे हैं? नहीं बताया ना, तो हम जा रहे हैं दुबई एंड ये हमारा फर्स्ट टाइम होने वाला है, क्योंकि पहले हम दोहा में गए थे एक बार। सो दुबई में हम कभी नहीं गए हैं, तो दुबई में जाएंगे। आई थिंक 1 week का हमारा वेकेशन है ये। सो बहुत एक्साइटेड है नई दुनिया देखने के लिए एंड आपको दिखाने के लिए। एंड मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें एंड बेल को क्लिक कर देना, ताकि कोई फ्यूचर में आने वाली वीडियो को मिस नहीं करें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें दिखाने वाली हूँ मैं आपको। एंड ये व्लॉग मस्त तो हो ही रहा है, तो रोज़ कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। सो यस, ये व्लॉग बेसिकली होने वाला है ट्रैवल व्लॉग। ओके, और मुझे लगता है कि मैं डेस्टिनेशन पे पहुंच के इस व्लॉग को बंद करूँगी, तब ये मेरा व्लॉग पूरा कंप्लीट होगा। सो जुड़े रहे मेरे साथ। ओके बाय। सो हमने जगह चेंज कर ली है एंड मुझे लगता है कि हमारी फ़्लाइट में 1 घंटा और बचा है। हस्बैंड तो लाइनअप में लग चुके हैं, क्योंकि लाइन बहुत लंबी है एंड ये एयरपोर्ट काफ़ी ज़्यादा बिजी है एंड बहुत ज़्यादा कलमला हो रहा है। लोगों को लाइक बैग की जगह नहीं मिल रही है। सो हस्बैंड लाइन में है और उन्होंने कहा कि जब तुम्हारी टर्न आने वाली होगी तो मैं कॉल करूँगा, क्योंकि यहाँ पे बैठने की भी जगह नहीं है। हमें ये कुर्सियाँ मिली थी तो हमने सोचा कि यार यहीं पर बैठ लेते हैं, पति की कॉल की वेट करते हैं, देन हम प्लेन में बैठ जाएँगे, रवाना होंगे। But it's a busy desert because there's literally 5,160 billion people here in a lineup, and our flight is right over there. Okay. So you have to 5 billion hours or days. Record one. So तो हमारी टोरंटो से बोर्डिंग हो चुकी है और अब हम 13 घंटे तक फ्लाइट में रहने वाले हैं। और हस्बैंड इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि उनको फ्लाइट में कुटन वाली जगहों में रहना बहुत ज़्यादा पसंद है। बहुत मैं सोना वे एंड तू ही बहना वे था। ओके ना खड़ा हो ये ना मैं नहीं जिदा इंडिया रेलवे जो ट्रैवल कर दो नहीं होना कि एक बंदा जागता रहे एक बंदा जागता रहे, तू जागते रहना, कोई कुछ सामान ला के रास्ते च उतर गया तू ही जागते रहना। सारे सारे नु कह दे मैं जागूंगा, सारे बेफिक्र हो के सो जा। डैडी लुक प्यारी जी, तू सामान ला के उतर गई थी ओवर हियर बिलो द स्क्रीन एंड यू सी ट्रैक्टर टू बाय। एक सच बताती हूँ, जब मैं वीडियो बनाना शुरू करती हूँ दोनों जने बोलना शुरू कर देंगे, उवें दोनों बिल्कुल क्वाइट रहेंगे, ना डैडी गल करता ना हिम्मत करता ना आपस में करते ना मेरे साथ करते, बट जब जैसे ही मैं रिकॉर्ड बटन ऑन करती हूँ इन्होंने दिल दिया बचिया हुई गल्ला सारिया निकल आदि कि होनी 2 मिनट च कर लिए जो करना है। जवाब तेरे को हिम्मत तू दस डैडी तू दस बला 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 करके मेरा सारा खराब कर देंगे। थोड़ी देर में मिलते हैं, अगर कुछ खाने को मिलेगा तो I'll show you guys they क्या मिलता है। They got a menu on the screen. Yeah. And Daddy, we got a screen. But Daddy ordered Indian food for you. Oh, तो Indian ही तो vegetarian. No, Mimi is vegetarian. की कर दाउन मैं हिम्मत। Chicken, nuggets, and junior chicken. और भी दिखे।
हमारा पहला मील. आई डोंट नो, हिम्मत को कोई चिकन कोरमा राइस एंड सब्जियां मिली थी, उसने चिकन एंड राइस खा लिए, सब्जियां मैंने खा ली. पता नहीं ये एयरलाइन वालों ने ना पोर्शन बहुत ही ज़्यादा छोटे कर दिए, देखने में बड़ा लग रहा है पर बहुत ही ज़्यादा पिद्दी है. एंड मेरे फूड में क्या था, चना मसाला एंड राइस एंड सब्जियां. अच्छा फ्लेवर अच्छा था एंड फ्रेश भी लग रहा था, ऐसे फ्रोज़न जैसा नहीं लग रहा था. सो या ये खा लिया मैंने. एंड हस्बैंड में क्या था, आई डोंट नो, पनीर की कोई करी थी एंड ये किनोआ सैलड भी था. सो अच्छा मील था, नॉट बैड, बट क्वान्टिटी काफ़ी कम था. बच्चे ने क्या करवाया, एक बच्चा जब करेगा दूजा बच्चा रहा, तीजा करेगा तीजा. गाइस हमारी फ्लाइट में ना 5-6 बच्चे हैं, बिल्कुल हमारे पास पैसे, बेचारे बड़े परेशान हैं. बच्चा नहीं मामा के काम पे रखना ला. इट्स नॉट दैट इजी, इट्स हार्ड टू बिलीव. सो अगले में हस्बैंड ने मेरे लिए किया है इंडियन ब्रेकफास्ट. तो इसमें मुझे लग रहा ढोकला था. ढोकला काफ़ी फ्लेवरफुल था और उसके अंदर भी चटनी लगी हुई थी. डोसा खाएंगे. सो अब हमारा बहुत लंबा सफ़र शुरू होता है. मुझे लग रहा 13 घंटे की फ़्लाइट है हमारी यहाँ से दुबई के लिए. हम लोग दुबई जा रहे हैं दोस्तों. मैं वीडियो बना रही हूँ पर आपको बता नहीं हम कहाँ पर जा रहे हैं. हम जा रहे हैं दुबई. ये हमारा पहली बार होगा एंड बहुत एक्साइटेड है हम दुबई को देखने के लिए. Except for just one, but it seems like you found it. You moved on too fast without looking back. So हमारी फ्लाइट हो चुकी है लैंड एंड सामान हमें बहुत जल्दी मिल गया था. बहुत लकी रहे हम. एंड हम जा रहे हैं हमारे होटल की तरफ. एंड इस होटल में हम आई थिंक 2 या 3 दिन रहेंगे क्योंकि मेरे हस्बैंड के एक फ्रेंड भी यहाँ पे रह रहे हैं. तो फिर वो एक साथ मिल लेंगे, घूम लेंगे. उसके बाद हम जाने वाले हैं आई थिंक ग्रैंड हयात दुबई. वैसे तो इतना खाने के लिए मन नहीं था पर हस्बैंड ने कहा एक कुछ थोड़ा सा खा लेते हैं. तो ये होटल के नीचे ही रेस्टोरेंट है होटल का. तो इसमें से मैंने खाया है ये शीश टाउक हिम्मत के लिए क्योंकि अच्छा लगता है चिकन एंड राइस. एंड मैंने अपने लिए चिकन बिरयानी मंगाई है एंड हस्बैंड ने पता नहीं क्या मंगाया था. एंड हम सब ने शेयर भी कर लिया था. सो हल्का फुल्का हमने खा लिया, ज़्यादा कुछ नहीं. और उसके बाद हम डन हैं एंड आज हम सोएंगे. दोस्तों तो दिस इज़ मी. हम पहुंच चुके हैं दुबई. मैंने आपको अर्लियर दिखाया बहुत ज़्यादा पज दौड़ थी एंड सामान देखिए क्योंकि आगे भी जाएंगे हम तो फिर इसलिए हमारे पास ज़्यादा सामान है राइट. एंड यस, इसी तरह आज हमारा ट्रैवल वाला दिन होता है फिनिश. मुझे लगता है हमें ट्रैवल करने में पूरा एक दिन लग गया है एंड बहुत ज़्यादा बुरी तरह थक चुके हैं क्योंकि इतना टाइम आप पतली छोटी बेबी चेयर्स पर नहीं बैठ सकते राइट. नॉट बेबी चेयर, लाइक नॉर्मल चेयर बैठने वाली नहीं बैठ सकते पर हम बैठे और मुझे नींद आ रही है, मैं सोने वाली हूँ. और हमारे शहर में समय हुआ है सुबह का 11 एंड यहाँ पे हो गए हैं रात के 11. 12 घंटे का डिफरेंस है और पता नहीं क्या होगा. हस्बैंड डर रहे हैं सोने से, कह रहे हैं कि मैं अगर सो गया तो मिड ऑफ नाइट उठ जाऊँगा. पर मैंने कहा कि मैनू अगर नींद आ रही हो मैं सो जाऊँगी, आई डोंट केयर अगर मैं उठ जाऊँ या नहीं, बिकॉज फिर मुझे नींद आनी भुल भी तो जाती है राइट. सो यस, इसी तरह आज का व्लॉग होता है फिनिश. आपको कल नए व्लॉग में मिलते हैं कुछ मज़ेदार लेके. एंड तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन की बेल को ऑन कर देना ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस को मिस नहीं हो. मेरी आँखें बंद हो रही है दोस्तों. एंड मुझे मेरे सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं. अगर आपके पास कोई भी रिक्वेस्ट है या कोई सजेशन है तो उसे कमेंट बार में छोड़ना. मैं मिलूंगी आपको नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बिल्कुल मत भूलें दोस्तों, यू गाइस आर ब्यूटीफुल द वे यू आर. स्टे हैप्पी, कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रांग. यू गाइस कैन डू एनी फ्रिकिंग थिंग. 12 बजे हुए मेरे दोस्तों. आई लव यू गाइस सो वेरी मच. ऑल यू हैव टू डू इज थिंक अबाउट इट एंड टेक एक्शन. दैट्स इट. इजी पीजी लेमन स्क्वीज़ी.